जिंदाबाद दोनों चला जाए। मैं कहूंगा जल ही तो आपका ये जीवन है। जल है आपके लकड़ी, जल है तो जल है तो जल है तो ग्रीन आर्मी पुरानी बस्ती से मैं प्रकाश दीवान आपके सामने अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ग्रीन आर्मी का ये चौथा वर्ष प्रारंभ हो गए। हम लोग इस ग्रीन आर्मी संस्था के माध्यम से रायपुर शहर को हरा भरा करने के लिए और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एक अभियान चला रखे हैं, जिसके तहत पानी बचाना, तालाबों को स्वच्छ रखना, वृक्षारोपण करना, पॉलिथीन से मुक्त होने रखना, इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर ये ग्रीन आर्मी काम कर रही है। पानी का संरक्षण और तालाबों का संरक्षण के उद्देश्य से आज हम लोग ये गजराज बांध की सुरक्षा के मुहिम में जुड़े हुए हैं। मैं नगर के समस्त नगरवासियों से ग्रीन आर्मी के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि गजराज बांध को संरक्षित रखने के लिए ग्रीन आर्मी जो प्रयास कर रही है उस पर आप अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें, ताकि हम उस गजराज बांध को संरक्षित एवं सुरक्षित रख सकें। अब बात यह आती है कि उसकी गजराज बांध की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। हम जानते हैं कि रायपुर शहर तालाबों का शहर है और ये तालाब जो है लगातार सरकारी संरक्षण में तालाबों को काटने की क्रिया लगातार चलते रही है। उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और उसी क्रम में ये गजराज बांध जो पहले 230 एकड़ में फैला हुआ था वो 30 एकड़ का गजराज बांध सिकुड़ते आज 65 एकड़ बन गया है। पानी गजराज बांध की पानी आज भी साफ है, लेकिन चारों ओर जो कब्जा किया गया है उसके कारण से ये तालाब प्रदूषित हो रहा है। हमें उस कब्जे से मुक्ति दिलाना है, ताकि ये तालाब जो है वो जो अभी कुछ सीमित क्षेत्रों में फैला हुआ है, कुछ हिस्से ही बचे हुए हैं, वो आगे चल करके पूरा अपने स्वरूप को प्राप्त कर सके। और ये जो गजराज बांध है जिसके माध्यम से शहरवासियों को पूरा पानी प्राप्त हो सके। नाम तो फिर गलत ही होगा, बाद में मोबाइल घुमाने लग जाए कैसे का। मैं आप लोगों से पूरा आह्वान करता हूँ, नगरवासियों से, शहरवासियों से एवं सारे लोगों से आह्वान करता हूँ कि इस गजराज बांध के संरक्षण एवं पानी के बचाव के लिए आप हमसे जुड़िए, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सके और जल के संरक्षण पर कामयाब हो सके। जय हिंद, जय भारत।